हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल 3DS केचप होम। आज और एक वीडियो लेके आ गया है वो आप लोगों का साथ। इस वीडियो में सिखाऊंगा ऑटो कैड का पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑटो कैड में ड्राइंग बना लेते हैं, ड्राइंग प्रॉपरली पूरा एकदम अच्छे से ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब उसको प्रिंट आउट करने के लिए क्या कोई फाइल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे PDF, JPEG फाइल, ये कन्वर्ट करने के लिए जब ही जाते हैं, तभी हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, प्रॉपरली इसका सेटअप नहीं कर पाते। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं सीख लेता हूँ हम लोग जो ऑटो कैड का पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक बार जरूर बताऊंगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और ऐसा टाइप का वीडियो मैं हमेशा मेरा चैनल में अपडेट करते रहता हूँ, तो सबसे आगे पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को एक बार जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हूँ मेरा पीसी में। पीसी में आने का बाद ये देखिए, अतुल चंद्र रॉय बोल के एक फाइल है, इसमें अतुल चंद्र रॉय बोल के एक ऑटोकैड फाइल है, इसको ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ पेपर साइज़, ये पेपर साइज़ है, ये पेपर साइज़ हमारा मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे अवेलेबल है ये 0 से लेके A4 तक। ये जो देखिए हल्का सा जो ग्रीन कलर है, जो पेपर साइज है, A0, A1, A2, A3, A4, इतने ही पेपर साइज हमारा मार्केट में अवेलेबल है। तो A4 का बात करता हूँ, 279x2 on 0 mm, mm में करेंगे तो। और यही पेपर को हम लोग इंच में देखेंगे तो 11.7 इंच और 8.3 इंच, इसको मतलब ये ओरिजिनल पेपर साइज है। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल माप के देखना तो यही साइज आप लोगों को मिलेगा। और एक ड्राइंग में बना के रखा हो पहले से, तो आप लोगों का कोई भी ड्राइंग हम लोग बना के रखे हो तो वो ड्राइंग को बना के रखना। और पेज सेटअप कैसे करना है, सबसे इजी वे पेज सेटअप का मैं 100% आप लोगों को बता सकता हूँ, जो ये सबसे सबसे बेस्ट इजी वे है, इससे इजी वे और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो लेआउट है ना, ये जो लेआउट 2 है, ये लेआउट में कभी मत जाना फ्रेंड्स। जितना सारा आर्किटेक्ट है ना, ये आर्किटेक्ट लोग यहाँ से करते हैं, उतना फेवर नहीं करते ये साइड ना, मैं भी इतना फेवर नहीं करता हूँ। तो मॉडल में आइए, मॉडल में आने का बाद हम लोग एक नया तरीका से करते हैं, इसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम है। मैं जितना सारा ड्राइंग क्लाइंट को प्रोवाइडेड करता हूँ ना, तो यही मेथड से करता हूँ, तो वही मेथड आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उसे पहले मैं A4 का पेपर साइज क्या है, 8.3x11.7 एक बॉक्स बना लेता हूँ, 8.3x11.7 एक बॉक्स बना लिया हूँ, ये एक पेपर साइज है, इसको 100 से गुना कर देता हूँ। तो आप लोग भी याद रखना, इसको 100 से गुना करना है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पेपर से ऑटो कैड जो फाइल होता है ना, डिफ़ॉल्ट 1:100 में हमेशा रहता है, 1:100 में रहता है। तो ये जो मेज़रमेंट है ना, ये मेज़रमेंट आप लोग जब स्केल से इसको मापोगे, जितना मापी आएगा उससे 100 गुना करोगे तो 13 फीट आएगा। मान लो फ्रेंड्स, ये यहाँ से इतना तक, मतलब ये रूम का एक लाइन खींच के मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इतना तक ये रूम का, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, यहाँ से इतना तक इसका 13 फीट है। तो आप लोग प्रिंट आउट करने का बाद जब मापी करोगे, जितना मापी आएगा उसे 100 गुना करोगे तो ये 13 फीट आना ही है, वो 13 फीट ही आएगा। एक
0.001 इंच का भी कोई दिक्कत मतलब कोई मतलब एरर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ, एक पेपर साइज आ गया है, तो आप लोग भी मेरा जैसे सेम करना। इनको 18 इंच एक ऑफसेट ले लो, फिर 12 इंच का एक ऑफसेट ले लो, दो ले लो 12 इंच का ऑफसेट। सेम आप लोग भी ऐसा करना। फिर फ्लेट कर दो। मेरा और एक वीडियो है, उसमें ये जो बेसिक है ना, जैसे फ्लैट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, वो सारे डिटेल्स उसमें है, उसे आप देख लेना कैसे करते हैं। मैं जल्दी में कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। मैं जितना सारा वीडियो बनाता हूँ ना, सारे वीडियो में पहले मैं देख लेता हूँ आप लोगों का इजी वे कौन सा होता है। तो सबसे जो इजी मेरे को बेस्ट लगता है, वही वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड वीडियो मतलब बनाता नहीं हूँ। सबसे इजी जो सबसे इजी हो आप लोगों को मतलब सीखने में, एकदम मतलब इजी हो, ये आप लोगों को सीखने में आसानी हो, ऐसे टाइप का बनाता हूँ। तो जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसे सेम ले लेना। लेने के बाद इसका जो सेंटर है, ये सेंटर को आप लोग थोड़ा वेट बढ़ा देना, लाइन वेट को, ठीक है। इसको एम ए फॉर मैथ्स प्रॉपर्टी कर देना। करने के बाद ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग इसका सेंटर में लेके आना। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक लाइन है, जो लाइन है मान लीजिए 60 फीट है, सॉरी मान लीजिए एक लाइन आपने ले लिया है 86 फीट बाई 30 फीट। तो मान लीजिए एक ऐसा एक लैंड है, तो ये लैंड को जब इसमें लाओगे, देखो पेज का बाहर जा रहा है, मतलब ये A4 साइज़ में नहीं आएगा। आप लोगों को A3 साइज़ लेना पड़ेगा। देखो A3 साइज़ इससे 2 गुना बड़ा होता है, ये भी बता दे रहा हूँ। 210 420, मतलब 210 इंटू 2 करोगे तो 420 होगा, और 297 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी मतलब ये 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 होगा। अरे इतना ही, मतलब ये जो पेपर आ गया ना, ये पेपर को 2 गुना करोगे तो A3 हो जाएगा। ये पेपर को 2 गुना करना पड़ेगा तो A3 हो जाएगा। तो आप लोगों का ड्राइंग के अकॉर्डिंग, मेरा ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग A4 में मतलब कंफर्ट हो रहा है, इसका बाहर नहीं जा रहा है, तो मतलब मेरे को इससे बड़ा कोई पेज का ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका नीचे कुछ मैं लिख दूंगा, जैसा एक फॉर्मेट में बना के रखा हूँ, ये हर पेज में मैं देता हूँ क्लाइंट को। ये जनरल स्पेसिफिकेशन है, आप लोगों का ड्राइंग का कोई स्पेसिफिकेशन रहेगा तो ये लिख देना। मेरा ये स्पेसिफिकेशन है सिग्नेचर ऑफ ओनर, ए ओनर का सिग्नेचर ऑफ प्लानर, और ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है। और ये जो नॉर्थ लाइन है, ये नॉर्थ लाइन है, और स्केल NTH है, तो ये NTH को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये 100% 1:100% मतलब ये जो स्केल है ना, ये 1:100 में है, अरे 100% सही है। तो ये आप लोगों को यहाँ एक्सपोल कर दीजिए, ये ड्राइंग इसको ब्लॉक था, इसको एक्सपोल करने के बाद इसको लिख दीजिए स्केल 1:100। तो ये स्केल आ गए 1:100। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं और एक बार बता देता हूँ।
आप लोग ये प्रिंट आउट करोगे ना, ये जो पेज प्रिंट आउट करोगे, प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ यहाँ से इतना तक स्केल से जो मेजरमेंट मिलेगा उससे 100 गुना करोगे तो 13 फीट ही आएगा। तो मैं प्रैक्टिकल उसको आप लोगों का सामने प्रिंट आउट करूँगा और स्केल से मैं उसका मापी भी करूँगा और वो एग्जैक्टली 13 फीट आ रहा है वो मैं अप्रूव करवाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए मैं पेज सेटअप करने के लिए कंट्रोल पी दबाता हूँ। कंट्रोल पी आ गया है, कंट्रोल पी आ गया है। आने के बाद हाँ यहाँ देखिए ये नॉन नॉन को ही रहने देना। और इसको मैं कर क्या करता हूँ, मेरा एप्सॉन L3150 सीरीज का एक प्रिंट आउट है, मतलब प्रिंटर है, तो इसको रहने देता हूँ। और ये A4 है क्योंकि एप्सॉन L3150 जो का जो सीरीज है ना वो A4 उसमें मतलब कनेक्टेड है, तो रहने दीजिए ऐसा, और कुछ नहीं करना है। ये भी नॉन रहने देना, जैसा है सेम ऐसे ही रहने देना। इसको सिर्फ विंडोज़ में क्लिक करना और यहाँ से ये जो पेज है पूरा पेज को ले लेना। लेने के बाद ये लैंडस्केप और पोर्टलैंड आप लोगों का हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से इसमें क्लिक कर देना। मैं क्लिक कर दे और ये फिट टू पेपर इसको काट कर देना और एक कस्टम को कर देना 1:100 स्केल और इसको MM को बदल के इंच कर देना। क्योंकि मेरा ये जो सेटअप है इंच में है तो मैं इसको इंच कर देता हूँ और मेरा जो पेपर साइज़ है 1:100 में है। तो एक बार इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आ गया ना, ये जो यहाँ से जो मैं 1.5 फीट का जो गैप लिया था इसको अच्छा देखने के लिए, क्योंकि पेपर 0-0 में कोई बॉर्डर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो बॉर्डर है ना 0-0 में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा छोड़ के देना पड़ता है। तो ये क्या है, ये अभी कलर आ गया लेकिन मेरे को कलर नहीं चाहिए, मेरे को ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो फिर इसको एग्जिट करता हूँ, एग्जिट जाके इसको क्या करता हूँ, इसको मोनोक्रोम CTV कर देता हूँ, येस कर देता हूँ, प्रीव्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट आ गया। तो फ्रेंड्स एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद इसको आप लोग मान लीजिए, पहले मैं देखा लेता हूँ PDF में कैसे बनाते हैं। PDF में कोई फाइल आप लोगों को ज़रूरत है तो ओके कर देना, ओके करने के बाद कंटिन्यू कर देना। तो सॉरी फ्रेंड ये प्रिंट आउट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रिंट आउट निकालने दीजिए, फिर मैं PDF कैसे बनाते हैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट आउट काम में आ जाएगा हमको वो मेजरमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कंट्रोल पी और एक बार प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद एक कंटिन्यू टू प्लॉट इसमें क्लिक करने के बाद ये जो हम लोग जो पिछले टाइम क्या लिया था, यहाँ लिया था वो प्रिंटर का मॉडल लिया था, तो इस बार PDF है, तो कोई दिक्कत नहीं, PDF है, विंडोज़ है, सेम है। तो इसको प्रीवियस प्लॉट कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, PDF DWG2 PDF कर देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ और इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कोई फाइल मांग रहा है, फाइल में लिख दिए अतुल चंद्र रॉय, सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए आ गया है, ये आप लोगों को एक PDF फाइल मिल गया है फ्रेंड्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये इसको इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज़ कर देता, नहीं इसको रहने दीजिए। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा था, मेरा स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हो रहा था, अभी मैं बंद कर रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद मैं आ रहा हूँ वो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूंगा फ्रेंड्स, ये जो 13 फीट है ना यहाँ से देखिए DAL डेल, ये जो 13 फीट है, ये जो 13 फीट दिखाई दे रहा है ना, इसको 13 को आप लोगों को, हाँ 13 × 12 156 इंच, क्योंकि ये हमारा जो सेटअप है इंच में है, तो 156 इंच, 156 इंच भाग
भागित 100 कर दो तो आ गया कितना 1.56। तो ये जो 1.56 है ना, तो ये 1.56 यहाँ मिलना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल कोई स्केल से मापी करोगे तो यहाँ से इतना तक 1.56 इंच होना चाहिए। तो यह याद रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो प्रिंट आउट हमने निकाला था ना, वो प्रिंट आउट को मैं एक इमेज कर लिया हूँ और वो इमेज को मैं ये फाइल को लेके आया हूँ। तो मैं देखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो इस पर पहले क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करके रखता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद इसको ओपन करता हूँ। तो क्या है, देखिए इसमें हम लोगों को क्या आना चाहिए था, ए 13 फिट। इसको एग्जैक्टली मतलब हमारा जो प्रिंट आउट है उसमें प्रिंट आउट को 1.5 इंच मिलेगा तो ही वो 13 फिट होगा। तो और एक बार देखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये 13 फिट है तो 13 × 12, क्योंकि इंच में हमारा जो सारे फॉर्मेट है ना इंच में है, तो 156 इंच आ गया है। इसको भागित कर देता हूँ 100 से, क्योंकि हमारा ये जो स्केल है 1:100 में है, डिफ़ॉल्ट रहता है 1:100, तो 1.56 इंच होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो देख लेता हूँ, ये हमारा इमेज है। ये तो हम लोग क्या किए हैं, ये इसका और एक इमेज लिया हूँ, बड़ा इमेज। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, वही सेम फाइल है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। हाँ, तो एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, जनरल स्पेसिफिकेशन, सारे चीज़ सही है। ये देखिए 15 अप्रैल 2021, अरे भी यहाँ जाके देख लेता हूँ, ये भी 15 अप्रैल 2021, सारे सेम है। यहाँ जो जो आपको देखने में मिल रहा है वही फ़ोटो है, ये वही फ़ोटो है। तो इसका एक जूम करके मैं और एक इमेज लिया हूँ, ये है इमेज। हाँ, तो देखिए यहाँ से ये 1 इंच है, हमको क्या आना चाहिए था, 1.56 इंच आना चाहिए था। कैलकुलेटर देख लेता हूँ, 1.56 होना चाहिए था। तो यहाँ से ये 1 इंच है, यहाँ से ये 1 इंच है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये 1 इंच है और ए 0.5 मतलब 1.5 आ गया, ए 1 आ गया, ए 0.5 आ गया, 1.5 आ गया और ए 6। तो एक अंदाज से ले लीजिए 1.56 इंच। तो ये मैं प्रूफ कर दिया हूँ, जो प्रिंट आउट करने का बाद उसका जो एक स्केल है वो स्केल और पेज सेटअप का जो स्केल है, मतलब ऑटोकैड पेज सेटअप का जो स्केल है वो प्रॉपरली मैं प्रूफ कर दिया हूँ प्रिंट आउट करने का बाद। और प्रिंट आउट करने का पहले तो मैं पूरा सेटअप कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था और आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो आप लोगों को कौन सा टाइप का दिक्कत आ रहा है। कोई फ्रेंड्स का ये दिक्कत हो रहा था, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया था, जो प्रॉपरली पेज सेटअप नहीं कर पा रहा हो। तो प्लीज़ भैया आप मेरे को बताएं पेज सेटअप कैसे करें एकदम ईजी वे में। तो उनके लिए और भी बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए मैं ये बना दिया हूँ। तो आप लोग अच्छा ढंग से देखना, एक भी चीज़ मतलब काट के मत देखना, पूरा एकदम एक से एक पूरा मतलब अच्छा से देखना, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। यही सबसे बेस्ट इजी वे है। जितना सारे आर्किटेक्ट है ना, सब सारे आर्किटेक्ट यही मेथड को यूज़ करते हैं, इसमें एरर नहीं आता है। मान लीजिए कोई ड्राइंग में आप डायमेंशन देना भूल गए हैं, तो प्रैक्टिकल डायमेंशन देख के मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल ड्राइंग के ऊपर स्केल रख के मेजरमेंट करके फील्ड में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं और एक बार बताऊंगा, मेरा चैनल को आप लोग नया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और आप लोग पुराना है ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो वो फ्रेंड लोगों के लिए मेरा वेलकम।
हाँ तो चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स रखता हूँ।